मेरे को चाय बनाने को मिलती नहीं है यहाँ पे। तो प्लानिंग को यू नो ऑन द स्पॉट रखना पड़ेगा, वरना फिर बहाना मिल जाता है, यार ये काम आ गया वो काम आ गया। नाम जब भी बात जाए पहला सेल्फ एग्जिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, अपने आप से जल पर हो। तो यार सर जल्दी जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, और अगर ऐसे चलता रहा तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये कपड़े फोल्ड करेंगे, मैं सारी अलमारियां संभालूंगी, ऐसे मिलजुल के काम हो जाएगा। मतलब लोगों को ये लग रहा था भाई इस बंदी को क्या हो गया, मेरे आंसू रुकते ही नहीं है भाई, इतनी शानदार है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने कहा आज मैं शुरुआत करता हूँ ब्लॉग की, और मैं बना रहा हूँ आज चाय। पता कितने टाइम बाद मैं चाय बना रहा हूँ, मेरे को चाय बनाने को मिलती नहीं है यहाँ पे। आ जाइए प्रीति, अभी पीछे से देखो चाय बन रही है, और सौरभ सूर्य आज बनाएगा चाय। प्रीति सुन रही है तू? चाय उबल रही है, इससे पहले इसका काम हो जाए तो हम ढंग से बना लेंगे। मॉर्निंग जी, मैं आपसे अब ऑफिशियली मिल रही हूँ, तो बस चाय वाय पीकर मैं फटाफट से हुई हूँ आज तैयार, क्योंकि गुरुद्वारे जाना है। तो मैंने कहा अगर गुरुद्वारे जाना है तो प्लानिंग को यू नो ऑन द स्पॉट रखना पड़ेगा, वरना फिर बहाना मिल जाता है, यार ये काम आ गया वो काम आ गया। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि संडे को होती है अबीर की स्विमिंग, तो अबीर और सौरभ तो जाएंगे स्विमिंग पे और मुझे वो ड्रॉप कर देंगे गुरुद्वारे में। तो क्योंकि सारे काम तो देखो हो नहीं सकते हैं, तो हमने सोचा कि एक बंदा जाएगा गुरुद्वारे, एक बंदा जाएगा अभी को स्विमिंग पर लेकर, ठीक है। तो मैं जाऊंगी गुरुद्वारे, और हे भगवान जी खुद जा। हम जा रहे हैं स्विमिंग, और सूरी साहब आ गए हैं, सूरी साहब जा रहे हैं गुरुद्वारे। मैं सबको भी यही बताया कि सारे काम तो हम कर नहीं पाएंगे, वैसे तो बहुत अच्छा होता हम तीनों जाते। चलो कोई बात नहीं, बाबा जी माफ करना, मम्मी डोंट आप आवांगी, मम्मी डोंट लूज द मनी, ओके मनी इज फॉर यू नो फॉर गुरुद्वारा, गुड गुरुद्वारा, थैंक यू जी। अभी अभी कलेक्टेड इट, अभी इज अ वेरी गुड बॉय, थैंक यू सो मच। अभी मैं कह नहीं वाली, इसमें थोड़ी सी चेंज दे देना। चलो चलो बाय मम्मी, चलो बाय जी बाय, सॉरी बोल देना हमारी तरफ से, हमें स्विमिंग पे जाना पड़ रहा है। चलो जी चलो बाय, से बाय टू मम्मी, बाय मम्मी। तो प्रीति चली गई है वहां पे गुरुद्वारे, मैं आया हूं इसको लेने के स्विमिंग। स्विमिंग से पहले हम आए ड्रिंक लेने, कुछ जरा पी लें कुछ ग्रीन मशीन टाइप्स। चल जल्दी चलते हैं, दो मिनट रह गए। हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाम, हाथ पैरों नाल ही तेन रोकिया भी कुछ नहीं करना, बह लेना रोटी बुरकी भी तेन मुंह च कोई पा लिया, किरत करो नाम जपो तो फिर वंड छको। कई बार आप वंड छको पहला कह दें, कई बार नाम जपो पहला कह दें, नाम जपो भी बाद चाहे पहला सैल्फ एग्जिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, अपने आप से निर्भर हो। जो पेट का भुखा होगा तो नाम भी दूसरे जपाने लिए करता होगा, इस करके गुरु साहब ने कहा किरत करो नाम जपो वंड छको। कोई किसी तरह का भी काम करता है वो ये भगती कर सकता है, उन्होंने काम छड़ के बहन की लड़ नहीं है कि 10 घंटे समाधि ला के बह जाए, अखा मीट के बैठते पुट्ठा लटक दे सुह मर दे पहाड़ से चल दे जंगल से चल दे, पता नहीं कहे वे श्वासों की डोरी टुट जानी है।
हाँ ध्यान उधर रख के फिर आले दुआले कुछ भी कर सारे काम कार कर सकता हूँ। जिन्हें बाबे को चले गए जेडे चाली चाली दिन कुंडिया भी खोल दे अंदर बैठते हैं जब तक चपेरे करते हैं असि ये गुरबाणी का उपदेश भुल जाते हैं क्योंकि तरीके पुछते पे भी सिमरन किदा करना यही सिमरन जिथे थोड़ा ध्यान है उ सिमरन जिते मन राम नामा। तो प्लान हो गया चेंज, हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। मैंने भी शावर ले लिया, अबीर ने भी ले लिया। यस अबीर, तो यस सर जल्दी जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि हम हो रहे हैं लेट और प्रीति वहाँ पे है, तो जाते हैं जरा मत्था टेक लेते हैं, हमारे भी नसीब में हो जाएगा। शुक्र है वाहेगुरु जी, शुक्र है दोनों भी आ गए स्विमिंग करके। तो डे टू हो गया, मैं आया हूँ जिम दोबारा। यार अगर ऐसे चलता रहा तो आई थिंक इट विल बी गुड। तो करता हूँ अभी एक घंटा करूँगा फिर निकलूँगा यहाँ से। तो जिम हो चुकी है भाई और आज अच्छी हो गई यार, एक घंटे से भी ऊपर हो गया। एंड आई थिंक स्टेमिना बनाना पड़ेगा यार, और अगर ऐसे चलता रहा तो इट्स वेल एंड गुड। छुट्टियाँ जाने से पहले आई थिंक इट विल बी बेटर। चलते हैं घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, संडे का दिन है आज। मेरा अभी कैसा टाइम बताता हूँ। तो सौरभ जी आ चुके हैं जिम से, तो मैंने कहा फ्रूट्स खिलाते हैं इसको। थैंक यू। अब एक प्रॉब्लम है, मटर पनीर की सब्जी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि वो नहीं है, चावल चावल कह रही हूँ, प्याज नहीं है। प्याज की बना दे, मज़ा नहीं आएगा। फिर हम दोनों कुछ ऐसे कुछ खा लेंगे, ठीक है ना। एक आधा अंडा बना लेंगे। मैं तो सोचूँ मैं फ्रूट्स ही खाऊँ, तू तो जिम भी होया, पता नहीं मुझे जिम जाने का टाइम मिलेगा कि नहीं। तो ये कपड़े फोल्ड करेंगे, मैं सारी अलमारियां संभाल लूंगी, ऐसे मिलजुल के काम हो जाएगा। बाकी आज गुरुद्वारे जाके कैसा लगा बता मुझे? सच में यार पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जितनी देर मैं बैठी हूँ ना जितनी देर गुरबानी चली है भाई, मतलब लोगों को ये लग रहा था भाई इस बंदी को क्या हो गया, मेरे आंसू रुकते ही नहीं है। एक्चुअली जैसे गुरबानी चलती है ना, मैं मतलब कि कहीं पर भी हूँ, मैं अगर मैं गुरबानी सुन लूँ ना मेरा रोना निकल जाता है और मेरा रोना बंद नहीं होता। और आज तो उन्होंने इतनी अच्छी बात की, उन्होंने एक बात कही कि हम सब कहते रहते हैं हमें गुरुद्वारे जाना है, हम मंदिर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो और हम अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर काम करते हुए भी यू नो आपके हाथ पैर हिल रहे, काम तो आप हाथ पैरों से कर रहे हो, अगर आप मुंह से भगवान का नाम ले रहे हो ना अपने काम करते हुए भी, तो वो भी बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन हाँ एक रूटीन होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये कहो कि मैं गुरुद्वारे जाऊंगी, अब आप दिवाली के दिवाली आ रहे हो या न्यू ईयर के न्यू ईयर आ रहे हो, तो वो कोई आना आना नहीं हुआ। आना है तो एक रूटीन बनाओ अपनी लाइफ का, क्योंकि हर चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी उनकी सुन के, और मैंने एक चीज़ से बड़ा रिलेट करा क्योंकि मुझे पता है मैं अब मैंने अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करा है कि मैं गुरुद्वारे जाऊंगी हर संडे को। ऐसा नहीं कि मैं गुरुद्वारे इसलिए जाऊंगी कि मुझे यू नो वो भक्ति बहुत बड़ा भक्त बनना है भगवान का, ठीक है वो तो खैर किसी किसी की किस्मत में होता है भगवान का, भगवान के भक्त बनना, हम तो खैर कुछ भी नहीं है, हम तो इतनी गलतियां करते हैं जिंदगी में। लेकिन मैं गुरुद्वारे इसलिए जाना चाहती हूँ, एक रूटीन बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं अपने आप को मेडिटेट करती हूँ वहाँ जाके। सो आई रियली लाइक इट, दैट्स द रीजन आई वांट टू गो टू गुरुद्वारा। यू गेट गुड एनर्जी, या यू गेट गुड एनर्जी, गुड वाइब्स। तो वो यही कहते हैं कि कंटा कंटा तुसी गड्डी च बह के अपने दोस्तों यारा नाल गल्लां करते रहते हो, रिश्तेदारा नाल गल्लां करते रहते हो, ऐ तुसी अपनी गुरबाणी ला लो, ठीक है। जिहड़े असीं गाने सुनते रहने आ, गड्डियां उच्चियां रखियां है, वाहिगुरु जी कर सिम लो, ऐ भी अच्छी गल है, वो भी जरूरी है। लेकिन तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे गुरुद्वारे नहीं जा पाती और इतना यू नो इतनी इतनी डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में,
तो जब भी अभी स्कूल चला जाता है, अगर मैं उसको स्कूल छोड़ के वापस आती हूँ तो मैं वापस आके यू नो घर फैला होता है जो भी सुबह सुबह चीजें, जब मैं वो संभाल रही होती हूँ ना, मैं भगवान का नाम ले रही होती हूँ, मैं वाहेगुरु या वाहेगुरु का सिमरन सुन रही होती हूँ। तो उन्होंने वही बात कही कि काम करते करते भी हाथ पैर चलाते चलाते भी अगर मुंह चला लोगे तो वो भी बहुत बड़ी पक्ति है। सो आई रियली रिलेट टू इट कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर मैं काम में बिजी हूँ तो एटलीस्ट यू नो हाथ पैरों से मैं काम कर रही हूँ तो भगवान का नाम ले रही हूँ। आई जस्ट ट्राई दैट। और जब उन्होंने बात बोली तो मैंने एकदम से रिलेट करा उस चीज से, उसके बाद तो भाई मेरे आंसू रुके ही नहीं। तो उसके बाद एक आंटी ने मुझे वहां पे पकड़ लिया एंड आंटी वाज सो नाइस एंड शी वाज लाइक, बता आंटी ने क्या कहा मुझे बताऊं? आंटी कहने बेटे तेन गुरबाणी गानी चाहिए है। मैं तो फिर रोते रोते मेरी हंसी निकल गई। कहा आंटी देखो मैं वाहेगुरु बोलना मैंने बहुत चंगा लगता लेकिन मैं गुरबाणी नहीं गा सकती, मेरी आवाज बहुत बुरी है, मैं नहीं गा सकती। आंटी कहते नहीं नहीं बेटे आवाज दे नाल नहीं होंदा है, तुहाडे दिल दी भावना दे नाल होंदा है। मैं कहा नहीं वो तो तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है लेकिन शी वाज सो काइंड, नहीं शी वाज वेरी काइंड है, आवाज कुछ तो होती है। एग्जैक्टली मैंने गुरबाणी गानी शुरू करी, सोचो नहीं नहीं खैर कोई गल नहीं, वो भी अच्छी अच्छी गावांगी, ऐ तो बोलूंगी नहीं, इन्होंने तो मजाक भी ले लिया तो दो मिनट बंदा होंगे कहता नहीं नहीं आंटी ठीक है अगो मजाक, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, दिल से पत्थर रखे हुआ अपनी आवाज में लेके कोई दिक्कत नहीं। सौरभ के सजेशन के बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं प्याज के बिना बना लेते हैं सब्जी, ऐसी क्या बात है प्याज के बिना क्यों नहीं बन सकती सब्जी, तो बस मैं प्याज के बिना ही बना रही हूँ मटर पनीर और आलू की सब्जी। तो इसी में मटर पनीर और आलू डाल दूंगी, पनीर बाद में डालूंगी कुकर की सीटी लगाने के बाद, क्योंकि ना फिर पनीर बड़ा अजीब सा हो जाता है अगर उसे सीटी लगवा दो। इसमें डालेंगे आलू और मटर। अब उससे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं पनीर कौन सा यूज करते हो, तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला पनीर, ये बहुत ईजिली यूके की ऑलमोस्ट एवरी सुपरमार्केट में मिल जाता है, ठीक है, और बिल्कुल इंडिया जैसे होता है ये, एकदम ताज़ा, और आप इसे खा भी सकते हो, मतलब कि ऐसे रॉ भी खा सकते हो नमक मिर्च डालकर। तो आलू मटर की सब्जी जो है वो लगता है हो चुकी है, तो कुकर को खोलते हैं। यहाँ पर मेरे चावल उबलने वाले हैं और फिर इस छोटी का खाना होगा रेडी। पता नहीं कोई हैक करा है अपने डैडी के साथ। थैंक यू यार, बहुत प्यारा है, वाओ। कसम से यार मैंने कुकर खोला है और अभी मैंने कड़छी मारी भी नहीं है और सब्जी की शक्ल बहुत अच्छी दिख रही है। तुम आ जाओ पहले, तुम्हारा आना तो बहुत ज़रूरी है ना। ओए होए दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर डालेंगे हम पनीर, मुझे लगा रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है तो हमने पनीर डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए उबलने दूंगी सब्जी को ताकि जो पनीर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज मेरे पास धनिया नहीं है तो इसके अंदर मैं डालूंगी सूखी मेथी। पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हस्बैंड लॉन्ड्री फोल्ड करके नीचे आ चुके हैं और हम मेरे लिए सिंग कर रहे हैं दूसरी जॉब पे। नहीं यार थैंक यू सो मच, सीरियसली मुझे इतने लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे यही लिखते हैं कि आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं ना, सीरियसली गाइस। मैंने सोमवार क्या मुझे लग रहा मैंने, हाँ मैंने हर सोमवार का व्रत रख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है गाइस लेकिन नहीं सीरियसली ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव और इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती सीरियसली। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे बिना बहुत कुछ नहीं यार, नहीं तेरे बिना मैं अधूरी हूँ, हमारी अधूरी कहानी। आवाज उसे अच्छी है, आंटी ने ठीक कहा है बेटा, हो जाती है जब आप गाते लगते हो अपने आप खुद से लग जाती है। और मुझे ना टमाटर आलू पड़ेंगे, मैंने गाना गाना शुरू करा। आप कह रहे हो कि सब्जी दिखाई जा रहे हो, रेसिपी कोई बताई नहीं हमें, कुछ नहीं थी रेसिपी यार। मैंने अदरक लहसुन पहले जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन डाला, थोड़े से करी लीव्स डाले, टमाटर डाला, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और एक दाल मखनी वाला मसाला डाला मैंने साथ में MDH का। बस अच्छी तरह से मसाले को भूना, उसमें आलू और मटर डाले, पानी डाला और सीटी लगवा दी, उसके बाद पनीर डाला है, अब कसूरी मेथी डाली है और हरी मिर्चें दो बड़ी बड़ी मैंने काट के डाल दी थी इसके अंदर। तो बस यही रेसिपी है यार। बेबी फिर टेस्ट करके बताना। वैसे प्याज के बिना सब्जियां मैं बनाती हूँ, नवरात्रों में भी तो बनाती हूँ।
अच्छी बनी है मैं इतनी शानदार है ना मस्त तुमको पसंद आ गई ना मजा आ गया देखो डैडी ने कितनी अच्छी तरह से खाई है तुम्हें भी खानी है